हाय दोस्तों, मेरा नाम जनय चतुर्वेदी। दोस्तों आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, वोल्टेज करंट रिलेशनशिप ऑफ सर्किट एलिमेंट। मतलब क्या है, एक सर्किट एलिमेंट है तो इस सर्किट एलिमेंट में जो आपके ये लगे हुए रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो यूज किया गया है, तो इसके लिए क्या वोल्टेज कितना होगा रेजिस्टेंस के केस पे, है ना, करंट की वैल्यू क्या होगी और पावर क्या होगा, ठीक है। इसी तरह से इंडक्टेंस के केस में देखेंगे अपन किसके वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस कितना होगा, करंट अक्रॉस द इंडक्टेंस कितना होगा और पावर कितना होगा। उसी तरह से हम क्या देखेंगे, कैपेसिटेंस के केस में देखेंगे कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस कितना होगा, फिर करंट अक्रॉस कैपेसिटेंस कितना होगा और पावर कितना होगा। कि हम क्यों कर भाई इसको जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम कोई सर्किट को सॉल्व करेंगे ना तो उसपे ये एलिमेंट तो रहेंगे ही रहेंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, तभी वो सर्किट बनेगा। उसमें वोल्टेज सोर्स भी लगाना पड़ेगा तब जाके सर्किट बनेगा। और उसको सॉल्व कैसे करें तो उसके लिए इन चीजों की जरूरत है। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहां पर क्या लिखा, रेजिस्टेंस, तो इसका सिंबल हमने लिखा ना, तो ये बना लिया हमने भाई, सिंबल हो गया, ठीक। इसके बाद इंडक्टेंस के केस पे देखें तो इंडक्टेंस के केस में आपका ये हो गया, ठीक। कैपेसिटेंस के लिए देखें तो कैपेसिटेंस के केस में ये समझ लीजिए, ठीक है। इतना समझ में आया ना, ये हो गया आपका R, ये हो गया L, ये हो गया C। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले केस पे हम जाएं तो क्या है रेजिस्टेंस, तो क्या निकालना है वोल्टेज, मतलब कि इस रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज क्या होगा। तो इसको हम कैसे निकालते थे, जब हमने इसकी डिफिनेशन पढ़ी थी, इसको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ के माध्यम से हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते थे। तो ओम्स लॉ क्या होता भाई, बी इज इक्वल टू आई आर, तो मतलब ये अपने को रेजिस्टेंस दिया तो इसके आधार पर ये अपने को क्या मिल गया भाई, वोल्टेज मिल गया। रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, अगर वोल्टेज फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो बी इज इक्वल टू आई आर, क्लियर बात ना। अब जब हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट की वैल्यू, तो भाई देखो वी वाई आर है, तो अगर आप I की टर्म्स में इसको लिख दो तो क्या हो जाएगा, वी वाई आर हो जाएगा ना, क्लियर। अब बात आएगी पावर की, तो पावर क्या होगा भाई, पावर के केस में हो जाएगा आई स्क्वायर आर। इतना क्लियर वाला कि रेजिस्टेंस अगर है तो वोल्टेज क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या होगी और पावर क्या होगा। अब जब हम दूसरे केस पे आए तो जो सर्किट एलिमेंट है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस के लिए तो वोल्टेज अक्रॉस का जब हम क्या निकालेंगे, इंडक्टेंस निकालेंगे, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस क्या होगा, एल डी आई वाई डी टी। ये हमने देखा था क्या होता, क्योंकि हमने क्या बताया था कि चेंजिंग फील्ड जो है क्या कब बनेगा, जब अगर वोल्टेज और करंट में क्या, करंट जो होगा, करंट के अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में कोई चेंज होगा तब चेंजिंग फील्ड बनेगा। क्योंकि हमने क्या देखा था, इंडक्टेंस किस पे काम करता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। तो उसके आधार पर ये क्या निकल आएगा, मतलब ये जो आपका है यहां पर, इसके ये निकल आएगा, ये आपका वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस, ठीक है। ये चीज हमने देखी थी, इसको हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन भी किया। अब जब बात आ रही करंट अक्रॉस द इंडक्टेंस, तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, वन बाई एल वी डी टी, ठीक है, प्लस आई जीरो। आई जीरो यहां पर क्या कहलाएगा, इनिशियल, मतलब बिगेन इनिशियल जो है क्या, करंट कहलाएगा, क्लियर। अब जब पावर के केस पे बात आएगी, पावर अक्रॉस द इंडक्टेंस, तो ये आपका होगा क्या, यहां पर आपका हो जाएगा एल, ठीक है, एल आई और डी आई वाई डी टी, क्लियर। ये सब फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा इनको ध्यान भी रखना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस क्या होगा भाई, इसके ये जो आपका बना हुआ है इसके लिए कैपेसिटेंस, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस का 1 बाई सी, ठीक है, 1 बाई सी, फिर क्या होगा आई डी टी, ठीक, प्लस वी जीरो। आई डी टी मतलब क्या, ये इंटीग्रेशन का साइन है भाई, है ना, ये जो आपका बना हुआ है दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन, है ना, समाकलन जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा, ये वी जीरो क्या है, यहां पर इनिशियल जो है क्या, वोल्टेज कहलाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं अपन यहां पर करंट अक्रॉस द कैपेसिटेंस, तो ये आपका होगा सी डी वी बाई डी टी, तो ये क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है, क्लियर ना, डी वी बाई बाई डी टी, ये चेंजिंग के टर्म्स में, तो ये हो गया आपका। अब जब पावर की बात आएगी, तो पावर के केस में क्या होगा भाई, सी वी डी वी बाई बाई डी वी बाई डी टी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सर्किट एलिमेंट है, तो जो सर्किट एलिमेंट है भाई, ये सर्किट बनाना, तो सर्किट एलिमेंट में रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है और ये आपका कैपेसिटेंस है, ठीक है ना।
तो इसका हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई अगर हमको इसका सूत्र पता चल गया, वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई होगी, तो हम इस सूत्र में क्या करके पुट अप करके वो वैल्यू को सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। सेम केस में इंडक्टेंस के लिए वोल्टेज भी दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है आपका और पावर दिया हुआ है। जब अपने को ये चीजें पता होंगी तो सवाल सॉल्व करना इजी हो जाएगा। भाई अगर आई की वैल्यू दी है तो डी वाई बाई डी की डिफ्रेंसिएशन करना है ना, यानी अवकलन करना है। अब इसके उसमें क्या है, इसका समाकलन कर देंगे, बी का कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसका समाकलन कर दीजिए, हल हो जाएगा भाई। सेम केस में इसी तरह से पावर के लिए, इसी तरह से जब आप इसकी बात करेंगे तो 1/c आई डी टी, तो आई की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए है ना, समाकलन कर देंगे तो निकल आएगी वैल्यू जो भी होगा, इसकी वैल्यू पुट अप करके। इसी तरह से इसमें करंट के केस में डी वाई वाई डी टी वी, तो इसकी वी की वैल्यू रख दीजिए, ये कैपेसिटेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, करंट आपका निकल आएगा उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए डी वाई वाई डी टी और वी का जो भी वैल्यू दी हुई हो है ना। इसी तरह से पावर, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसलिए क्या है, कोई भी सर्किट एलिमेंट हो ना उसमें उसकी वोल्टेज और करंट की वैल्यू को इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके माध्यम से ही सवालों को हल करना काफी आसान हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आपके लिए कारगर साबित होगा सर्किट एलिमेंट है ना। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करिएगा और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ध्यान रखें, कोरोना में इस समय अपने घरों पर सुरक्षित रहें, कहीं भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, सरकार जो भी गाइडलाइन देती है उसका पालन करिए, खुद सुरक्षित रहिए और अपने घर परिवार को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।